नमस्कार दोस्तों, मैं साधना यादव गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने फूलों के साथ साथ अपने टेरेस गार्डन में कुछ सब्जियाँ भी उगाई हुई हैं, जो आज मैं आपके साथ साथ शेयर करूँगी। मेरे गार्डन में शिमला मिर्च मैंने लगाई हुई थी कुछ सीड्स, तो आज वो शिमला मिर्च मुझे पता नहीं था कौन से कलर की है, येलो है, ग्रीन है, रेड है, मगर जब ग्रीन थी वो, कुछ दिन बाद उसने कलर अपना चेंज कर दिया, मुझे पता चला कि येलो है, तो मैंने कहा आज आपके साथ शेयर करूं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी येलो शिमला मिर्च कितनी अच्छी हो रही है, छोटी छोटी अभी और भी लगी हैं। ये देखिए, ये ग्रीन है, अभी छोटी है, मगर अभी मुझे पता नहीं है किस कलर में है ये। ये देखिए छोटे सी प्लांट है, इतना बड़ा नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा प्लांट है ना फ्रेंड, गमला भी इतना बड़ा नहीं है। देखिए फ्रेंड, एक ये है, ये छोटे से गमले में लगी हुई है, ये देखिए। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा गमला लें कुछ, जिसमें अलग से कुछ आपको खाद पानी मिलाना है फ्रेंड, कुछ भी नहीं। जो आप अपने प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करते हैं, वो हम अपने पौधे इस सब्जियों के लिए भी तैयार करते हैं उसी की मिट्टी फ्रेंड, और लगा देते हैं। देखिए ये मेरा बैंगन, ये फ्रेंड्स ये देखिए बैंगन है, ये भी छोटे से गमले में लगे हुए हैं। इसके लिए फ्रेंड कुछ अलग से खास करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सोचो कि हम कैसे लगाएं, किस तरह करना है, सो कोई ऐसा नहीं है। अगर आपके पास सिंपल मिट्टी भी है ना, तो आप वेजिटेबल उसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वेजिटेबल में कुछ ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। बस ऑर्गेनिक खाद दीजिए आप, जो हमारी सिंपल होती है, सरसों खली वगैरह, वही दीजिए आप। इसमें कुछ नहीं देना है, ना डाई देना है, ना यूरिया देना, किसी तरह का कोई केमिकल्स वाली खाद आपको नहीं देना। ये देखिए फ्रेंड, एक ये है शिमला मिर्च का ही है प्लांट है, अभी इसमें फूल आ रहे हैं, इसमें भी देखिए इसमें फूल आ रहे हैं, ये टिकोमा में फ्लावर शुरू हो गई है, ऑरेंज कलर के फूल आ रहे हैं। देखिए ये देखिए बोगनवेलिया में देखिए कितने बड़े बड़े फ्लावर आए हुए हैं। ये गुड़हल है, देखिए छोटे से गमले में लगा हुआ है, ये छोटी वैरायटी है, नर्सरी वाले ने बोला कि बड़ी नहीं होगी, इतने ही से में फूल आएंगे, तो फ्रेंड देखिए फूल भी आना शुरू हो गए हैं इसमें। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी, ये बड़ा है किस तरह का है, मगर उसने ये देखिए फ्रेंड, आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिखाई थी स्ट्रॉबेरी, मगर अब देखिए अभी भी मेरी स्ट्रॉबेरी आ रही हैं, सूखी नहीं है, क्योंकि गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, तो ये ज़्यादातर प्लांट मर जाते हैं या फिर कुछ इसमें इस तरह का फंगस कुछ लग जाता है। मगर देखिए फ्रेंड, ये देखिए फूल भी आ रहे हैं अभी, और देखिए इसमें स्ट्रॉबेरी भी आ रही है, देखिए ये इसमें भी, देखिए इसमें भी आ रही है, इसमें भी फूल आ रहे हैं। फ्रेंड्स, थोड़ी सी केयर करनी है इनको बचाने के लिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इन पर किस तरह से मंजिंग करनी है और इनको नेक्स्ट सीजन के लिए किस तरह से बचाना है, और मैं थोड़ा सा आपको और दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने प्याज का आल जो बोलते हैं वो लगाया हुआ था, तो ये मेरे से जो आटे के कट्टे आते हैं हमारे घर में यूज़ होता है, हम बाजार से मार्केट से लेते हैं, गेहूँ नहीं लेते फ्रेंड, उसके जो खाली होते हैं मैंने उसको अब यूज़ कर दिया, मैंने उसको इसमें लगा दिया था। अब देख कितनी अच्छी हो रही है, मैंने हम लोगों ने कुछ खा भी ली है उखाड़ कर, अब अपने डेली यूज़ के लिए हम अपने कुछ भी होता है बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अचानक हमारे में बनाने की सब्ज़ी जरूरत पड़ गई या कोई आ गया अचानक गेस्ट, तो हम इसको बना लेंगे। अपने गार्डन का यही तो होता है कि अपने गार्डन लगाई हुई सब्ज़ी हम कभी यूज़ कर सकते हैं, रात को या कोई टाइम हो फ्रेंड। भिंडी हैं, ये देखिए, ये मैंने भिंडी के लगाए हुए हैं शीट, ये भिंडी देखिए कितनी अच्छी हो रही है, ये देखिए ये भी मैंने कट्टों में लगाई हुई है, बोरी हैं, देखिए ये छोटे छोटे से गमलों में लगाई हुई है। फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह अपने टेरेस पर सब्जी लगा सकते हैं और अपने गार्डन को हरा भरा रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।